नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि नेतरहाट विद्यालय में शिक्षक भर्ती आया है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल झारखंड गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी प्राइवेट कंपनी का जॉब नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि नेतरहाट विद्यालय बहुत ही नामी है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर जिस टीचर का सिलेक्शन होता है दोस्तों पढ़ाने के लिए, उनके जितने भी विद्यार्थी मतलब उनके जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं दोस्तों, उनको जो है बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुविधा दिया जाता है, आप लोग जानते ही। यहाँ पर देखिए, महिला पुरुष दोनों इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई प्रोसेस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों, कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अप्लाई करने में। यहाँ पर देखिए सैलरी, देखिए आप लोग का 56,100 रुपये से लेकर के देखिए 1,77,500 रुपये तक का जो है यहाँ पर आप लोग को सैलरी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर टेलीग्राम से ज्वाइन कर, जो भी जितने भी ज्वाइन किए हैं दोस्तों उसको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा दोस्तों। अभी तक हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम पर आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ आपको दिखाते हैं कैसे जो आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की बात करें, क्या क्या चीज़ का वैकेंसी, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर टीचर हिंदी के लिए वैकेंसी है, इंग्लिश टीचर के लिए है, संस्कृत टीचर के लिए, मैथ टीचर के लिए, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सॉरी दोस्तों आर्टिकल्चर है, और पोल साइंस के लिए है, कॉमर्स के लिए है। इन सभी टीचर के लिए यहाँ पर निकला है दोस्तों वैकेंसी। कुल मिलाकर देखिए टोटल वैकेंसी जो 19 वैकेंसी टोटल है दोस्तों, इन सभी यहाँ पर जो है टीचर के लिए पोस्ट है दोस्तों। देखिए जैसे कि टीचर के लिए आप देख लें, टोटल जो है 4 पोस्ट के लिए निकला है, हिंदी टीचर के लिए, इंग्लिश टीचर के लिए 4 पोस्ट है दोस्तों, संस्कृत के लिए 2 पोस्ट है, मैथ के लिए 2 पोस्ट है, और यहाँ बायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी के लिए देखिए यहाँ पर एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है, आर्टिकल्चर के लिए देखिए 1 पोस्ट है, और दोस्तों यहाँ पर पोल साइंस के लिए 1 पोस्ट है, और कॉमर्स के लिए भी 1 पोस्ट के लिए। यहाँ टोटल मिलाकर देखिए 19 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकला है दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यार यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा 2 बच्चे को जो है प्रोत्साहन या फिर डाउटर आप लोग को जो फ्री यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सो कोई भी आप लोगों का जो है यहाँ पर चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सुविधा दिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर साथ ही दोस्तों जितने भी आप लोगों का अलाउंस है, भत्ता वगैरह सब यहाँ पर दे है। इसके अलावा जैसे कि आपको हम सैलरी के बारे में बता चुके हैं कि देखिए यहाँ 10th लेवल पर सैलरी है, अदर अप्लीकेबल अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा एज गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, झारखंड गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी दिया जाता है 10th लेवल में, तो उसी हिसाब में जो है आप लोगों को यहाँ पर सैलरी भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब जो है आप लोगों का एज क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन जो आता है आप लोगों का, मैक्सिमम एज यहाँ पर रखा गया, देखिए 1/1/2021 के आधार पर जो है यहाँ पर एक एज क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम देखिए जनरल के लिए और EWS के लिए 40 साल रखा गया है, बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए देखिए 42 साल, और वोमेन जनरल एंड बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए देखिए 43 साल। देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, मैन वोमेन के लिए दोनों है, देखिए 45 वर्ष रखा गया इसका मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं हम लोग का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए। तो क्वालिफिकेशन जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है दिया हुआ, जैसे कि हिंदी टीचर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट है यहाँ पर टीचर के लिए। देखिए इन सभी जितने भी यहाँ देख रहे हैं टीचर के लिए पोस्ट के लिए दोस्तों, सभी का क्वालिफिकेशन आप लोग का, जैसे कि आप ग्रेजुएशन पास यदि किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएट पास वाले यहाँ 50% अंक होना जरूरी है। अगर यदि आपके पास 50% अंक नहीं है तो उसको फिर मास्टर डिग्री पर 55% अंक के साथ किए हुए हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स एंड मास्टर डिग्री बोथ मोस्ट बी रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, यानी दोस्तों आपको पास जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट से आप लोगों का मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि ग्रेजुएट ऑनर्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, रिलेवेंट सब्जेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए और मास्टर डिग्री में जो है आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना आपके पास जरूरी है दोस्तों, और ध्यान में। और दूसरा जो है दोस्तों, बीएड आप लोग का होना जरूरी है। ठीक है, बीएड भी होना जरूरी है, इसमें किसी भी टेट फेट की यहाँ पर जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग का बीएड होना यहाँ पर लेकिन जरूरी है। डिग्री ऑफ टीचिंग फॉर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, या फिर देखिए या बीएड होना जरूरी, या तो फिर देखिए डिग्री इन टीचिंग फॉर्म द सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंग्लिश एंड फॉरिजिन लैंग्वेज हैदराबाद इंग्लिश टीचर
के लिए यदि है तो दोस्तों फिर अप्लाई कर सकते हैं, या ये देखिए अथवा में अगर ये नहीं है तो ये है तो चलेगा दोस्तों, या तो फिर देखिए 2 ईयर का इंटीग्रेट है एमएससी ईड यहाँ पर लिखा हुआ, ईडी लिखा हुआ इन रिलेवेंट सब्जेक्ट रिलीजन कॉलेज एंड एजुकेशन एनसीईआरटी फॉर साइंस टीचर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोग का इंग्लिश टीचर के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स बायोलॉजी टीचर के लिए यहाँ पर ये है। और देखिए आप लोग बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर का टीचिंग ईयर का एक्सपीरियंस सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 ईयर रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड गेट्स डिग्री इन एजुकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज एनसीईआरटी विद इन प्रोवाइड ईयर डेट हिज हर ज्वाइनिंग। देखिए दोस्तों आपके पास स्कूल मिलाकर अगर यदि आप ग्रेजुएशन है पीजी डिग्री है और दोस्तों आपके पास बीएड है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर देखिए इन सब जितने भी और लिखा हुआ है कोई भी एक डिग्री है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ग्रेजुएट ऑनर्स 50% मार्क्स मास्टर डिग्री एटलीस्ट 60% मार्क्स रिलेवेंट सब्जेक्ट प्रोवाइड डिग्री एजुकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट देखिए यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस दे टीचिंग हिंदी इंग्लिश वाले को जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पर है कि एमकॉम होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटिंग फिनंशियल अकाउंटेंसी एंड मेजर सब्जेक्ट फॉर स्टडी एमबीए फिनंशियल सेल एलिजिबल यहाँ पर होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लीकेबल बिजनेस इकोनॉमिक एंड शेल नॉट बी एलिजिबल। प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा कॉमर्स इन हिंदी इंग्लिश वाले को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सभी वैकेंसी के लिए, हालांकि आप अपना देख लीजिएगा, आप जब अप्लाई करेंगे तो अपना क्वालिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वांछित योग्यता अगर यदि आपके पास है 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है सीबीएसई प्लस 2 एफिलेटेड स्कूल का तो आप लोग का जो है बेहतर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जॉब लेने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। यहाँ अप्लीकेशन फ़ी देखिए आप लोगों का जो लग रहा है दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ 500 रुपये लग रहा है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 250 रुपये लग रहा है। ये जो आप लोगों का दोस्तों फॉर्म जो है आप लोगों को ऑफलाइन आवेदन करना है और कहाँ करना है दोस्तों आपको बताया जाएगा। ये देखिए दोस्तों आप लोगों का जो ये जनरल का ओबीसी के लिए जो आप लोग पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा दोस्तों बैंक कहाँ पर किसके नाम से बनेगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल नेतरहाट विद्यालय समिति पेबल, ठीक है। प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर देखिए लिखना है आप लोग द प्रिंसिपल नेतरहाट विद्यालय समिति, ठीक है। इसके ये जो इसके नाम से आप लोगों का जो है पेबल होगा एट नेतरहाट, ध्यान रखिएगा ये पूरा एड्रेस ये आप लोग को लिख देना है, वहाँ पर जो है इसके नाम से ही डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को अप्लाई कैसे करेंगे, आप फॉर्म भरने के बाद जो है आप लोगों को कहाँ भेजना है, फॉर्म जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। डायरेक्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अप्लाई कैसे करना है आप लोग को जो है फॉर्म निकाल करके देखिए यहाँ पर जो है यहाँ लिखा हुआ है दी प्रिंसिपल नेतरहाट आवासीय विद्यालय पोस्ट नेतरहाट गुमला लातेहार झारखंड यहाँ पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट यहाँ पर पोस्ट सिंपल पोस्ट कुरियर ऑन बिफोर 30 तारीख यानी 30 नवंबर तक जो यहाँ पर आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका हम आपको अप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यह जो है इसका अप्लीकेशन फॉर्म है, अप्लीकेशन फॉर्म आराम से भरिए दोस्तों और जो है लिफाफे में बंद करके इसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।